नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनोसाइक्लिन टेबलेट के ऊपर। पर मोनोसाइक्लिन पर वीडियो बनाने से पहले हम आपको कुछ कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो दवाइयां हैं उनकी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मैं किस तरीके से दवाइयां मंगाता हूं, मैं बाय ऑर्डर या फिर आपने सुना होगा इंडिया में जुगाड़ सबसे ज्यादा चलती है, तो महंगी दवाइयों को सस्ती रेंज में लाने के लिए उनके लिए ऑफर आते हैं। तो इस तरीके के ऑफर को अगर आपको फायदा लेना है तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मान के चलिए ये सीकोड कैप्सूल है, इसकी मार्केट रेंट 65 रुपीज है। तो ये मैंने 100 रुपए में मंगवाया है। और रिवाइटल एच जो इसकी डिब्बी आती है 300 रुपीज यानी 300 रुपए का ये डिब्बी है, जो मैंने 190 रुपीज के समथिंग इसको मंगवाया, यानी 100-150 रुपए की बचत है। और विटामिन D3 भी मैंने दवा मंगवाई है जिसकी मार्केट रेट 335 रुपीज दिया है, जो 10 रुपीज यानी 10 रुपए की है। तो अगर हमें इस तरीके का फायदा लेना है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके और आप ऐड होइए। और जरूरी नहीं है कि आप मेडिसिन वाले ही प्रोडक्ट लें, और भी कई तरीके के उसमें आइटम, जैसे फीमेल्स के लिए कई तरीके के जो महंगे ब्रांड के आइटम हैं, यानी 1,000 रुपए 2,000 रुपए, जब ऑफर के समय पर वो आइटम आपको 100 रुपए, हो सकता है 50 रुपए में भी मिल जाए, जैसे VLCC और भी तमाम प्रोडक्ट हैं। अब हम बात करेंगे अपने मोनोसाइक्लिन टेबलेट के ऊपर। तो मोनोसाइक्लिन टेबलेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है इस तरीके की, यानी ये सिप्ला कंपनी की टेबलेट है। ये आपको नाम दिख रहा होगा, इसके अंदर मोनोसाइक्लिन इंग्रेडिएंट दिया है। तो ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, मार्केट रेट इसकी 199 यानी 200 रुपए इसकी मार्केट रेट है। तो मोनोसाइक्लिन टेबलेट का इस्तेमाल जैसे UTI प्रॉब्लम और टिक फीवर, क्लेमाइडियल संक्रमण और गोनेरिया जो STD रोग हैं, जो सेक्स के दौरान होने वाले रोग हैं, और माइंड पे होने वाला फीवर, अमीबियासिस और टॉन्सिल ब्रोंकाइटिस, मुहासे, गले में दर्द और त्वचा में होने वाले संक्रमण, इन सभी के लिए हम मोनोसाइक्लिन टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, मोनोसाइक्लिन टेबलेट का इस्तेमाल, यानी मोनोसाइक्लिन टेबलेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, क्लेमाइडियल संक्रमण STD रोग और UTI प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस और इस तरीके की समस्या के लिए इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। तो मोनोसाइक्लिन टेबलेट का इस्तेमाल, जैसे जिनको चक्कर की समस्या पहले से हो, यानी चक्कर आते हो और सिर दर्द बना रहता हो, या फिर और प्रेग्नेंट लेडीज हो, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो महिलाएं हैं, इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें, या फिर जिनको किडनी से जुड़ी कोई बीमारी हो, यानी डायबिटीज वाले जो पेशेंट हो और वो जो डायबिटीज वाली उनकी दवाएं चल रही हैं, उनको साथ में उनको किडनी में इन्फेक्शन है, तो इस तरीके के पेशेंट भी इस टेबलेट को ना लें। और जिनकी आंतों में यानी इंटेस्टाइन स्वेलिंग है, सूजन है और लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, तो इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें, या फिर जिनकी बॉडी सेंसिटिव है उनको भी यह टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी है। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को तो भूल कर भी इस टेबलेट को ना लें, जल्दी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, अच्छी टेबलेट है। एक और चीज कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस तरीके की कमेंट आती है लोगों की, जैसे कि मैं वीडियो बनाया है, जैसे मैंने एक किसी टेबलेट के ऊपर, मैंने जैसे आज से कम 8 या 9 महीने पहले या 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, यानी माइग्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए था वो, जिसके अंदर कैफीन और एक दो इंग्रेडिएंट्स और थे। तो बंदे की कमेंट आती वो सीधा यानी गलत कमेंट करता है, तो मैं इसलिए मेरे को गुस्सा इसलिए आता है कि कायदे की कमेंट ना करते हुए वो कह रहा है मुझे 12 साल हो गई इस तरीके की दवाएं, आप डॉक्टर कैसे हैं। तो 12 साल हो गई, चलो मान के चलिए कैफीन है, कैफीन कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है, तो आप रेगुलर, ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट तो है नहीं, ये टेबलेट है, आप ले रहे हो, दूसरे को भी एडवाइस दे रहे हो, कमेंट में सलाह दे रहे हो कि सामने वाला बंदा बेवकूफ है और आप ही ज्यादा विद्वान है, आपने 12th या ग्रेजुएशन करके आप सोच रहे हो कि आप ज्यादा बहुत इस लाइन में ज्यादा आप तजुर्बेकार हो, तो इस चीज को आप भूल जाना, एक से एक धुरंधर इस दुनिया में इंटेलिजेंट डला हुआ है। तो आज के समय में इंटेलिजेंट सभी हैं, विद्वान होना बड़ी मुश्किल बात है।
तो विद्वान के लिए जरूरी नहीं है कि एक लाइन में आपको इंटेलिजेंट हो तो आप विद्वान हो गए। विद्वान का मतलब होता है जिसे हर लाइन का नॉलेज हो, जिसे हम हरपन मौला कहते हैं। बात आ गई समझ में? तो किसी पे कमेंट करने से पहले सोच लें अपनी पर्सनैलिटी और अपनी, आप चाहे कोई भी बने रहें, किसी भी तरीके से आप फैमिली बैकग्राउंड से बने रहें, जो आपके पैसा है आपके बाप का कमाया हुआ है, आपने क्या कमा के दिया है जो दूसरे पे इस तरीके की कमेंट आप कर रहे हैं। मुझे इस तरीके का जवाब आता है और सीधा करना भी तुम जैसे लोगों को आता है, ठीक है। ये चैनल आप जैसे बेहुदा लोगों के लिए नहीं है, पर मैं रह जाता हूँ लोग वागों की छवि, मेरे वीडियो जाते हैं तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया। विद्वान होंगे तुम अपने घर के लिए होंगे, मेरा चैनल है गरीब लोगों के लिए, उनको मैं फायदा दे रहा हूँ। मुझे मालूम मैंने कितने लोगों को फायदा दिया है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम अपनी जो होशियारी अपने घर में दिखाना, अपने फैमिली मेंबर को दिखाओ, दुनिया को नहीं देख। ये होशियारी अपने पास रखना, कोई उधेड़ के रख देगा खालों को। अपना एड्रेस दो, अगर अपने बाप का दूध माँ का दूध पिया सॉरी चमड़ी उधेड़वा दूंगा तुम्हारी। क्या समझ रहे हो तुम? दूसरी चीज, लाइन भी लोग हमारी कही गई है, बेवकूफ समझते हो सामने वाले को। क्षमा पड़ने को चाहिए छोटन का उत्पाद, और क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। यानी विष्णु जी के बारे में आप जानते होंगे, भृगु ऋषि ने उनमें लात दी दी थी, लात मारी थी, तो उनने बोला था विष्णु जी ने, अरे प्रभु आपकी तो पैरों में लग गई होगी। इसीलिए विष्णु को सभी लोग मानते हैं, तुम जैसे गधों को, यानी जिन्हें बोलने का तमीज नहीं है, तुम फीमेल को क्या दो। आज तक किसी भी फीमेल की मैं तारीफ करूंगा, अभी तक किसी भी तरीके की इस तरीके की भद्दी कमेंट उन्होंने नहीं करी है। दूसरी चीज, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तुम जैसे लोग घंटरियां बजा रहे हो, लड़कियों को पटाने में लगे हुए, यानी इस तरीके इंप्रेशन, किसी भी बंदे को इम्प्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अच्छी कार में या फिर आप महलों में गधे की। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, विद्वान की मौत चाहे घूरे पे हो, घूरा जानते हो, शादी होती है जब हमारे यहाँ पे घूरे यानी कचरा जिस जगह पे डाला जाता है उसको पूजते हैं, एक दिन घूरे का भी आता है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, अपनी जो तुम्हारी औकात है ना, वो तुम्हारे बाप की देन है तुम्हारी। अगर तुमने अपने मेहनत के दम पर या अपनी क्वालिफिकेशन के दम पर अगर इस तरीके की ऊंची से यानी ऊंचाइयों को छुआ होता ना, तो इस तरीके की आप भद्दी कमेंट नहीं करते। आप जैसे कि औकात, मुझे मालूम है क्या औकात है, औकात पैसे से नहीं होती है, और पैसा तो रंडी भी कमा लेती है यानी वैसे भी कमा लेती है, अपने दम से मेहनत से पसीना से कमा के। मैंने ये अपना चैनल बनाया है, मैंने कितनी मेहनत करी है ये मुझे मालूम है। तुम जैसे बेवकूफों क्या मालूम है, तुम जैसे लोगों को ये भी नहीं मालूम है ब्रह्मा जी के तीन सर क्यों बताए गए हैं। उनके तीन सिर का बच्चा बचेगा नहीं, पहली चीज, और दूसरी चीज कमल डंडी से उनको बताया गया है ना, कमल डंडी में यानी कमल की डंडी में उनको उनका जन्म हुआ, तो हर कमल की डंडी से हर बच्चे का जन्म होता है। ये तुम्हें मालूम नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हें सिखाएगा इस तरीके के लोगों को। कमल की डंडी माने प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा गर्भाशय में हर कोई बच्चा वहां ठहरता है, वही पनपता है, उसके बाद उसका जन्म। तीन सिर इसलिए ब्रह्मा के बताए हैं क्योंकि उनको तीन वेदों का ज्ञान था। तो तीन वेदों का ज्ञान तो आप मुझे भी बता सकते हो, मुझे कानून की भी जानकारी है, मेडिकल लाइन की भी नॉलेज है, और वेदों का भी नॉलेज है। और तुम जैसे सुधारने के लिए मैं कम से कम 6 फुट का इतना बड़ा डंडा रखता हूँ, उसके कस्टर्ड ऑयल लगा के रखता हूँ, चमड़ी और घड़ दूंगा तुम्हारी, समझ में आई। तुम उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसका मतलब यही है, जब भगवान शंकर संसार को स्वप्न बता रहे थे तो यहाँ पूजा पाठ तीर्थ व्रत और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर सभी स्वप्न के तमाशे हैं। इन तमाशों में तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ना ही मेरे जैसे लोगों। फिर भद्दी कमेंट, अगर तुम भद्दी कमेंट करोगे तो भद्दी कमेंट का जवाब दूंगा, और तुम जिस तरीके से आंसर चाहते हो उसी तरीके से हो सका तो मैं सुताई से सीधा करना पड़े तो सुताई से भी सीधा कर दूंगा मैं तुम लोगों। अगर मैं शरीर से नहीं लड़ पाऊंगा तो मेरे पास इतनी अकल है कि ऐसा फंसाऊंगा केस में, जिंदगी भर पीड़े रहोगे, मुझसे बच के रहना, ये दूसरा चैनल वाला नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।